क्या आप किसी को पता चले बिना किसी की भी फोन की रिकॉर्डिंग को आप सुनना चाहते हो, चाहे वह आपके दोस्त का हो या फिर आपके जीएफ का। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि आप किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सुन सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखना और एक भी पॉइंट को मिस मत करना, नहीं तो कॉल रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में नहीं आएगी। सो सबसे पहले प्रूफ देख लो कि उन्होंने जितने भी कॉल किए हैं उसका सारा रिकॉर्डिंग मेरे फोन में आ रहा है। अब आपको किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम RMC कॉल रिकॉर्डर है, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस एप्लीकेशन में आपको कुछ सेटिंग करनी होती है जिसे मैं आपको अगले स्टेप में बता रहा हूँ, इसलिए उन स्टेपों को ध्यान से देखते रहिए। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो परमिशन मांगेगा जिसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ऊपर आपको 3 लाइन का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्डिंग इंटरफेस, ट्रिक्स, स्टोरेज और सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको मैनुअल रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है जिसे आपको टिक कर देना है, और नीचे रिकॉर्ड अनचेक कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है उसे भी आपको टिक कर देना है, और अब आपको बैक चलना है। और यहाँ पर आपको इंटरफेस का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज और थीम का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने हिसाब से इसमें लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, आप किस भाषा में इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं। और सेकेंड ऑप्शन आपको थीम का मिल जाता है, अगर आप थीम को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल इसमें हम कुछ चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे, अब हम सिंपली बैक चलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रिक्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेली रिकॉर्ड टाइम का ऑप्शन है जिसे आपको कम कर देना है। इसके बाद आपको इम्प्रूव कॉल डिटेक्शन डेटा का ऑप्शन मिल जाता है जिसे आपको टिक कर देना है। इसके बाद ऑडियो फॉर्मेट का ऑप्शन है जिसमें आप MP3 को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी मर्जी। और अब आपको बैक चलना है। बैक चलने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है जिसपे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको डिलीट आफ्टर अपलोड का ऑप्शन है जिसे आपको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपको बैक चलना है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन में पासवर्ड जनरेट करना तो आप पासवर्ड पर क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं, ताकि जब भी इस एप्लीकेशन को आपके सिवा कोई और ओपन करना चाहेगा तो उसे पासवर्ड देना हो। और यहाँ पर आपको हाइड एप्लीकेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर आप इस एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। हाइड करने से यह फायदा होगा कि उसके मोबाइल में यह एप्लीकेशन नहीं दिखेगा। इसके बाद आपको बैक चलना है। इसके बाद आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव में ही करना है। सो आप जैसे ही गूगल ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल ड्राइव अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नोट कनेक्टेड है, यानी कि अभी जो भी कॉल होगा उसका रिकॉर्डिंग मेरे फोन में नहीं आएगा। इसको आपको कनेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कनेक्ट अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका ईमेल ID शो होगा जो कि आपके मोबाइल फोन में लॉगिन है। अगर आपका ईमेल ID शो नहीं करता है तो आपको नीचे एड अकाउंट का ऑप्शन है उसमें क्लिक करके आप अपने ईमेल ID एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखे कि यहाँ पर उसी ईमेल ID को एड करें जिसपे आपको सारे कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना है। जैसे ही आप ईमेल ID को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कनेक्ट दिखेगा, यानी कि आपका ईमेल ID इस ऐप के साथ कनेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे सिंक गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको टिक कर देना है, और सिंक अनसॉर्टेड का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी आपको टिक कर देना है। अब आपको सिंपली जिसका फोन है उसको दे देना है, लेकिन आप इस एप्लीकेशन को हाइड कर दे ताकि किसी को पता ना चले। अब जितने भी कॉल्स होगी उसकी रिकॉर्डिंग आपके फोन में सेंड कर दिए जाएंगे। ये सारी प्रोसेस आपको अपने दोस्त या GF के मोबाइल में करना है जिसका आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हो। अब आप सभी के मन में होगा कि ये सारी रिकॉर्डिंग जाएंगे, तो आइए अगले स्टेप में बताते हैं। तो आप सभी के मोबाइल में गूगल ड्राइव होगा ही जिसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपने जिस ईमेल ID को उस एप्लीकेशन में डाला था वही ईमेल ID यहाँ पर भी लॉगिन हो, तभी आप उस फोन की सारी रिकॉर्डिंग को सुन पाएंगे। बस आपको कैसे भी करके अपने GF या BF या फिर अपने दोस्त के फोन में ये सारे सेटिंग कर देना है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।